जी नाज़रीन सामीन, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास सैमसंग मोबाइल है, सैमसंग S4 मोबाइल है। तो एक इंकशाफ हुआ है कि जो हमारा मोबाइल है, जब हम इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो इंटरनेट के थ्रू सैमसंग की अथॉरिटी के पास चली जाती है। जैसे कि हमारे घरेलू जो फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, शादी ब्याह के मौके की पिक्चर्स होती हैं, या हमारी वो ऐसी फाइल्स जो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ती हैं, तो वो उस चिप के थ्रू जो है वो सैमसंग की अथॉरिटी के पास जाती हैं। वो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये सैमसंग के मोबाइल को सबसे पहले आपने ऑफ करना है। ये मैं मोबाइल को ऑफ़ कर रहा हूँ, ये मैंने ऑफ़ कर लिया। ऑफ़ करने के बाद आपने इसकी बैटरी को निकालना है। ये देखें जी, सैमसंग की ये बैटरी, तो ये बैटरी को मैंने निकाला, बिल्कुल ये ओरिजिनल बैटरी, टेलीटैक लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसको मैं पेपर को इसको उतारना शुरू करूँगा। मैं ये पेपर जुड़ा होता है, इसको मैं उतार रहा हूँ, और ये बड़े एहतियात के साथ चिपकी होती है एक चिप। ये देखें जी, ये चिप है, ये चिप इसकी, ये देखें, ये टर्मिनल बैटरी के साथ टच हुए हैं, ये बैटरी के साथ टच हुए हैं, ये डाटा चिप है। इसको बड़े आसानी के साथ आप अलहदा करें। ये देखें चिप है, ये डाटा इसके अंदर सारा सेव होता है, ये ब्लैक चीज़ जितनी भी ये डाटा है। जैसे ही हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो है इसके अंदर डाटा सेव होता है और इंटरनेट के थ्रू सैमसंग की अथॉरिटी के पास चला जाता है हमारा हर प्राइवेट डाटा। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों के पास सैमसंग मोबाइल हैं तो वो अपनी बैटरी में से ये चिप निकाल दें, तो ये बासानी दोबारा आप उसको वापस लगा सकते हैं। तो इससे मोबाइल की जो हीट है, जो मोबाइल का टेम्परेचर बढ़ता है या उसकी रनिंग स्पीड कम हो जाती है, उसके लिए भी आप जो है ये कारामद साबित होगा। जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये मोबाइल को मैं दोबारा चला कर दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको कि आप ये देखें जी, सैमसंग गैलेक्सी S4 ये ऑन हो रहा है। लें जी, ये अपनी असली हालत में ऑन हो चुका है। तो ये जो चिप है आपने निकाल देनी है। ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और हमारा प्राइवेट डेटा जो है इंटरनेट वालों के पास ना जाए, क्योंकि कल वो ब्लैकमेल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।